हेलो गाइस, वेलकम टू सोनल्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज की मेरी रेसिपी है फ्रूट क्रीम। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर की अवेलेबल चीज़ों से बहुत ही आराम से बन जाती है। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लिया है। जैसे मैंने लिया है केले, केले को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। या मैंने सेब लिए है, सेब को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। यहाँ मैंने कुछ ग्रेप्स लिए हैं, अंगूर लिए हैं, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है स्ट्रॉबेरीज, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है एक कप दही, दही बिल्कुल भी फ्रेश है। यहाँ मैंने लिया है देसी खांड, आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने घर में बनाई हुई मलाई लिया है, अब मैं इसको अच्छे से फेंट दूंगी। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्रीम बनती है। जो क्रीम थी उसमें मैं मिलाऊंगी फ्रेश जो हमारी जो दही है वो। यहाँ मैं मिला दूंगी अपने खांड और इसे हमें अच्छे से फेंटना है। 4 से 5 मिनट हमें अच्छे से फेंटना है। अब देख सकते हैं मैंने 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है ये। आप चाहे तो बीटर से भी फेंट लें ताकि और भी फ्लफ़ी हो जाए, बट मैंने इसको चम्मच से फेंटा है। अब इसमें सारे फ्रूट्स मिला रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें स्ट्रॉबेरीज, अच्छे से फेंट लेना है। तो आप देख सकते हो घर की अवेलेबल चीज़ों से ही आपका एक डेजर्ट बन गया है। आप इसे किसी भी ओकेज़न में बना सकते हैं, या बच्चों को हल्की फुल्की जो क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है, तो भी आप बना सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी भी है और एक डेजर्ट भी बन गया।